हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु रंजन। टुडे आई केम अप विथ वन मोर जॉब वैकेंसी फॉर ऑल ऑफ यू एंड दिस वैकेंसी इज फॉर सीएमए इंटरमीडिएट क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड दिस वैकेंसी इज रिलेटेड टू योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। ओके, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर जस्ट सर्चिंग फॉर देयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की वैकेंसी कहाँ पे है कहाँ पे है, एंड दिस वैकेंसी इज फॉर ऑल ऑफ यू। इफ़ यू आर मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आप जरूर अप्लाई करिएगा, काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। और मैं आप लोगों के लिए ट्राई करता हूँ, जितना भी वैकेंसी आता है मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले जानकारी देने का ट्राई करता हूँ। सबसे पहले यूट्यूब पे मैं ही डालता हूँ, उसके बाद ही कोई और डालता है, तो आप जरूर मुझे सपोर्ट करो। सपोर्ट आप कैसे कर सकते हो, वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको यूजफुल वीडियो हमेशा आपको मिलता रहने वाला है। ठीक है, चलिए बात करें, आपको यहाँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का वैकेंसी आया है। ठीक है, और ये जो सीएमए इंटरमीडिएट वाले जो हैं, सीएमए इंटरमीडिएट क्वालिफाइड कैंडिडेट जो हैं, उन लोगों के लिए है। ठीक है, इफ़ यू आर ए सीएमए इंटरमीडिएट क्वालिफाइड देन यू आर एलिजिबल। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का होता है ना वैकेंसी, उसी का वैकेंसी है। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे कि लिखा हुआ कि विथ रेफरेंस टू द एबव सब्जेक्ट इट इज मेंशन दैट भरूच दहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड में वैकेंसी है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का नाम है भरूच दहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड में वैकेंसी आया है। ओके, तो ये स्पेशल पर्पज व्हीकल क्रिएटेड अंडर द नेशनल रेल विकास योजना के अंदर इसको बनाया गया है, प्रोवाइडिंग रेल कनेक्टिविटी टू दहेज पोर्ट। दहेज पोर्ट एक है गुजरात में, दहेज एक जगह का नाम है, वहाँ पे एक दहेज पोर्ट है, वहाँ पे मैं देखा भी हूँ, मैं गया भी हूँ, तो मुझे काफ़ी नॉलेज है वहाँ के बारे में कि दहेज पोर्ट गया हूँ, देखा हूँ, और दहेज का लोकेशन, दहेज का अगर लोकेशन का बात किया जाए तो काफ़ी डेवलप्ड है। वहाँ पे बहुत सारे PSUs, बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनी है और बहुत सारे पब्लिक कंपनी है, बहुत बड़े बड़े पब्लिक कंपनी है वहाँ पे। सो अगर आपको वहाँ पे काम करने का मौका मिलता है उस लोकेशन में, तो काफ़ी अच्छा आपको होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप बहुत कुछ सीख पाओगे, बहुत सारे कंपनी है, तो आपको नॉर्मल सी बात है, अगर आप काम करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक कंपनी काफ़ी अच्छा है, आपको BDRCL में अगर आपका सिलेक्शन होता तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स भी अच्छे खासे हैं, और यहाँ पे आपको जो बात किया जाए, यहाँ पे आपको रेमोनरेशन जो आपका स्टाइपेंड यहाँ पे मिलने वाला है वो भी अच्छा ही मिलेगा। ओके, आप एक्सपेक्टेड है कि आप रख सकते हो कि आपको अच्छा मिलने वाला। आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। ठीक है, बात किया जाए फर्दर, मोर देन 50% ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी आर हेल्ड बाय द रेल विकास निगम लिमिटेड के पास, इसका मोर देन 50% शेयर है। ओके, एक PSU कंपनी है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर काम करता है एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अंदर एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे थ्रू इट्स अंडरटेकिंग। ओके, सो बात किया जाए नंबर ऑफ वैकेंसी का, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एंगेजमेंट ऑफ एटलीस्ट टू नंबर, एटलीस्ट टू, तो यहाँ पे आपको दो से ज्यादा भी देखने को मिल सकता है नंबर ऑफ वैकेंसी। ओके, यहाँ पे एटलीस्ट टू लिखा हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ट्रेनिंग फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर ऑन द फॉलोइंग टर्म एंड कंडीशन, और यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की जो रिक्रूटमेंट किया जा रहा है वो 3 सालों के लिए किया जा रहा है। एक काफी अच्छा चीज है, अगर आपको 3 साल के लिए अगर कहीं पे आपको अगर काम करने को मौका मिलता है तो काफ़ी अच्छा कुछ आप सीख पाओगे, और आपका करियर के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन मतलब 3 साल, अगर 2 साल से 3 साल अगर आपको काम करने को मौका मिल रहा है तो काफ़ी बेहतर होने वाला है। ठीक है, अगर मैक्सिमम ट्रेनिंग कहा हो तो 3 साल आपको यहाँ पे मौका मिलने वाला है काम करने के लिए। ठीक है, और जो रेमोनरेशन आपको जो मिलने वाला है वो मिनिमम इंटरटेनमेंट प्रिंस ऑफ द इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए जो मिनिमम रखे हैं कि इतना आपको मिलना चाहिए, कम से कम उतना आपको तो जरूर यहाँ पे मिलेगा, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, पर मिनिमम आपको मिनिमम उतना तो जरूर मिलने वाला, तो काफ़ी अच्छा स्टाइपेंड आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, और जैसे कि आपको बोला है कि यहाँ पे आपको सारा कुछ जो सीएमए इंटरमीडिएट आप क्वालिफाइड हो, ओके, तो ही आप एलिजिबल हो। बात किया जाए पे द ट्रेनिंग शैल बी पोस्टेड एट कंपनी ऑफिस लोकेटेड वडोदरा, आपको जो पोस्टिंग दिया जाएगा वो वडोदरा में दिया जाएगा। ठीक है, वडोदरा में आपको पोस्टिंग यहाँ पे दिया जाने वाला है। ठीक है, ही और सी शैल अटेंड द ड्यूटीज प्योरली एट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट एंड शैल बी गवर्न्ड बाय द वर्किंग कंडीशन एप्लीकेबल टू द कंपनी। ओके, सो यू हैव टू सी ऑल दिस थिंग्स। कैंडिडेट के पास नॉलेज होना चाहिए टैली का एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम वर्किंग डेज का बात किया जाए तो आपको 6 दिन काम करना है हर एक वीक में, दैट मीन्स कि मंडे टू सैटरडे आपको ऑफिस होने वाला है। ठीक है, सो आप ये सब देख सकते हो, ये मैं अगर पूरा रीड करने चलूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक PDF आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा, एक PDF आप मेरा टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एक PDF आपको मेरा टेलीग्राम से मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके आप केयरफुली रीड करना। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हो और अगर आप लोकेशन इस लोकेशन पर जा सकते हो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने के लिए, तो आप फॉर्म को जरूर अप्लाई करो। ठीक है, तो और वीडियो यहाँ तक रखते हैं। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप कोई भी PSU का फॉर्म भरे हो, जैसे कुछ ही दिन पहले वैकेंसीज आया है IR, EL, GR, AC, जो मैं बोल रहा हूँ ये सब CMA इंटरमीडिएट वाले लोगों के लिए बोल रहा हूँ।
ठीक है, क्योंकि ये सब वैकेंसी में IREL, GRSE ये सब जो वैकेंसी है वो बीकॉम ग्रेजुएट मतलब जो CMA इंटर वाले, जो CMA इंटर वाले हैं उन लोगों के लिए वैकेंसी आया है। तो अगर आप फॉर्म भरे हो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका तो आप लोगों के लिए MCQ मैंने बनाया है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर एनी PSU कंपनी। अगर आप कोई भी PSU कंपनी में फॉर्म भरे हो तो आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा है कि आप मात्र 500 ओनली 500 रुपीज़ में आपको फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग के लिए बनाया गया है। मात्र 500 रुपीज़ में आप वो परचेस कर सकते हो, ओनली 500 रुपीज़ में। ओके, कैसे परचेस करना, एवरीथिंग आर मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो वीडियो यहाँ तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, वीडियो को जरूर शेयर करिए। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर जस्ट सर्चिंग फॉर देयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वैकेंसी, सो आई थिंक दैट दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो यहीं तक रखते हैं। वीडियो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो थैंक यू।